हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रेडिशनल गाजर के हलवे की रेसिपी। यहाँ मैंने 1 केजी गाजर लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। पहले इनके रूट और बॉटम वाले पार्ट को काट लेना है और फिर ऊपर से छील लेना है अच्छे से। तो ये मैंने सारी गाजर छील ली है और एक बार वापस इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से भी कद्दूकस कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बारीक वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि इससे गाजर के हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गाजर जितनी मीठी होगी हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब एक आयरन की कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून काजू बादाम। आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हलवे में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी घी में ग्रेटेड गाजर डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो 5 मिनट गाजर को भून लिया है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। अब इसमें डाल देंगे दूध। मैंने यहाँ 2 कप दूध लिया है जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। मैं इस हलवे में फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। टेस्ट को और बढ़ाने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर या मावा भी डाल सकते हैं। अब गाजर को 20 मिनट दूध में पकाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये बॉटम में लगे नहीं। तो देखिए ये पक चुका है और काफी रिड्यूस भी हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही डाल देंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इसका मॉइस्चर जो है वो पूरा सुखा लेना है हमें। तो देखिए हमारा हलवा अच्छे से पक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस बंद कर दीजिए और हमारा ट्रेडिशनल गाजर का हलवा बनकर तैयार है। गाजर के हलवे को गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।